इससे पहले मुझे कोई भारसा फैन बोले कि भाई ये मैच या फिर यूएल कंपटीशन को हम सीरियसली ले रहे थे तो एक ही मैं चीज बोलूंगा आपसे स्टॉप फाइंडिंग एक्सक्यूजेस क्योंकि आप किसी भी कंपटीशन में उसको हारने के लिए या फिर आप उसको ना जीतने के लिए कोई नहीं खेलते स्पेशली एट अ क्लब लाइक बार्सिलोना तो टेक दिस थिंग आउट ऑफ योर माइंड कि दिस वॉज अ कॉम्पिटिशन वी वर नॉट फोकसिंग ऑन क्योंकि हम फोकस कर रहे थे पर मैच मैच वो डिस्कस करेंगे एंड जावी की जो कमियां है ना एंड वॉट एक्चुअली गोज रॉन्ग फॉर एस इन यूरोप उस मतलब सब कुछ कवर करेंगे ऑब्वियसली क्रेडिट टू मैचेस यूनाइटेड तो वो पार्ट तो कवर करेंगे करेंगे लेकिन बाहर से थोड़ा सा फोकस रहेगा कि क्या दिक्कत है क्या होता है यूरोप में ऐसे जो टीम इतनी इनफॉर्म लीग में वो यूरोप में आगे क्यों क्रम्बल कर जाती है टैक्टिक्स पे आने से पहले सारी परफॉर्मेंसेस पे आने से पहले मैं पूरे आपको पहले पूरी कहानी सुनाऊंगा मैं मैच कैसे देख रहा था फर्स्ट हाफ में देख रहा था हमारे पास कोई मिलने आना था किसी को एक प्रोफेसर को मिलने आना था तो हम नीचे बैठे हुए थे खाना वाना तैयार रखा था उनके इंतजार में थे फिर मैच शुरू हो गया तो मैं मैच में लग गया था उनसे मिल रहे हैं उनसे बात भी करनी उन पर भी ध्यान देना है, साथ साथ मैच भी देखना है और मैच में पहला गोल जो हम खाए पहला गोल आई वॉज मेरे को मेरे को गुस्सा आ रहा था मैंने कहा क्या फालतू पेनल्टी दी है लग भी नहीं रहा था मुझे हैंड पुल है मुझे लग रहा है बहुत सॉफ्ट पेनल्टी मैं मैं फिर रुका रहा मेरे को चलो वार का वेट करता हूँ वार का डिसीजन आएगा तब तक मैं फालतू इमोशन दिखा नहीं सकता मैं बिल्कुल मैं ऐसे बिल्कुल ऐसे बंदी हुई सिचुएशन में था फिर मैंने वेट किया मैंने गोल दे दिया फिर ऑलमोस्ट ढिया ने बचा ली थी फिर मुझे लगा यार क्या यार फालतू गोल खा दिया और फिर लग रहा था कि यार बस ये वाला मैच ना हो जाए कि हमने इतनी पूरी हाइप बना रखी थी इतनी मोमेंट इतना लग रहा था मोमेंटम में जाएंगे टेनहगे ने पहले बोल दिया था मैच से पहले कि कम कम टुगेदर विल बीट बार्सिलोना टुगेदर मैंने कहा भाई टेनहेग ने बोल तो दिया फिर भी कलाड़ी दे अपने परफॉर्मेंस से फिर सेकंड हाफ में पता नहीं भैया फ्रेड ने क्या चवन प्राज खाया क्या क्या करा उसने क्या किसको क्या जड़ू बूटी थी मुझे समझ नहीं आया टेनहेग ने अभी तक लेस्टर वाले मैच में देख लो बारसा के पिछले मैच में देख लो और आई थिंक मैं गिन सकता हूँ बहुत सारे मैचेस मेरे सारे दिमाग में नहीं आ रहे हैग हाँ ने हाफ टाइम चेंज किया कि टीम कम डिफरेंट इन आफ। मैं कहानी पे था, था। मैं कहानी बता रहा हाफ में मैंने देखा अपने कमरे में मेरे साथ मेरा दोस्त आ रखा था सेकंड गोल पढ़ने से पहले तीन मिनट पहले आई थिंक क्योंकि मेरे को पता नहीं था कितनी स्ट्रीम पीछे चल रही थी यहाँ पे ऐसी देख नहीं सकते मैच आप स्ट्रीम कितनी पीछे चल रही थी मुझे पता नहीं उसकी नोटिफिकेशन आई मैंने को दूर से देखा कि गोल की नोटिफिकेशन है मैंने कहा यार इतनी पीछे तो है नहीं स्ट्रीम पता नहीं क्या नोटिफिकेशन है मैंने कहा रेड कार्ड मिल लिया किसी को क्या बुकिंग की नोटिफिकेशन है मैं रुका रहा उस समय आई थिंक लेवन ने टैकल की थी कैसे पे उस समय तो मुझे लगा, ये रेड कार्ड तो नहीं है तो येलो कार्ड होगा फिर मैं रुका रहा उसने फिर एक तो हर कोई दोस्त मेरे हराम कर रहा उसने ऐसे झुक सर पकड़ लिया जैसे पता नहीं क्या हो गया फिर मुझसे पूछने लगा कि कैराबाउ कप का जो फाइनल है वो संडे को है ना कितने बजे होगा फिर मुझे लगा यार मेरे को लग रहा है गोल पड़ गया इसको इस मैच को फोर गोन कंक्लून बना दिया इसने ये मैच मेरे को लग रहा है कुछ गड़बड़ हुई है फिर मैं रुका रहा दो मिनट तक कुछ हुआ नहीं मैंने कहा स्ट्रीम इतनी पीछे तो नहीं थी उसने चूतिया काटा मेरा फिर एंटनी का जो फाइनली गोल पड़ा भाई जो मैं फटा हूँ उस समय मुझे पता है क्योंकि मैं उससे आगे बढ़ चुका था मुझे पता था कि ये फालतू बकवास कर रहा है मे भी कुछ और था एंटनी गोल पड़ के जो मैं पागल हुआ ना भाई फ्रेड की परफॉर्मेंस देख देखो आप में ब्रिंगिंग ऑन एंटनी वेगोस्ट का जो लग रहा था कि फर्स्ट हाफ में भाई कुछ कर नहीं पा रहे कि पहली चांस जो बनी थी ब्रूनो की मुझे याद है कि ब्रूनो की जो पहली yeah. चांस बनी थी जिसमें क्रॉसफील्ड डायगनल दी थी ब्रूनो हैड टू टेक द शॉट अगर एक फास्ट स्ट्राइकर होता हमारे पास तो मे बी ब्रूनो क्रॉस दैट बॉल आई थिंक ब्रूनो क्रॉस दैट बॉल क्योंकि वो एंगल वॉज अगेंस्ट ब्रूनो वो पता था टेस्ट सेकंड बचा लेगा इट इजी शॉट इजी सेफ फॉर बट पूरे मैच की बात करो मुझे लग रहा था कि फर्स्ट हाफ में आई थिंक सेकंड फर्स्ट लेग के कंपैरिजन कंपैरिजन में में फर्स्ट लेग के आई थॉट इट वाज नॉट एज क्योटिक दोनों टीम्स थोड़ी हॉट हेडेड लग रही थी मुझे स्पेशली कुछ डिपार्टमेंट्स में मिडफील्ड में कभी डिफेंस में रैश ले रहे हैं जबरदस्ती लॉन्ग बॉल खेल रहे हैं या शेप कभी ऑन पॉइंट नहीं है कभी बार लग रहा था बट कंपेयर टू द लास्ट मैच थोड़ा सा इस शांति थी इसमें थोड़ा बहुत आप कह सकते हो स्टेबिलिटी थी इस मैच में बट सेकंड हाफ में जो फिर स्टेबिलिटी हटी है आई थिंक उत्कर्ष बताएगा बारसा की पूरी कमियां हाईलाइट करेगा बट आई थिंक फ्रेड जिस हिसाब से फ्रेंकी के पीछे पड़ गया एक था एक पर्टिकुलर था मैं मैं पूरे खुंदक में था क्योंकि मुझे पता है अचिंती रामानो वाली चीज पर कितना मुझे सुनने को मिला था फ्रेड ने टैकल दी थी फ्रेंकी डिओ को बिल्कुल कस कस के टैकल दी थी और मैं इतना खुश हुआ था ना मैंने कहा आ फ्रेंकी आ गया मैनचेस्टर मैंने उस समय चल रहा था तो भाई आई थिंक क्रेडिट गोस टू सेकंड हाफ में मेकिंग द राइट चेंजेस रियलाइजिंग व्हेन थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग आई थिंक सबसे बड़ा चेंज हमारे लिए सीजन यही रहा है इस मैच में भी

तो कि भाई दूसरी टीम अगर मिड मैच कुछ चैबी तो के साथ इसलिए कप कॉम्पिटिशन में ये आपको को फिट करती। क्योंकि कप कॉम्पिटिशन में ना एज कम्पेयर टू लीग मैचेस ऑपोजिशन मैचेस ज्यादा दिमाग लगाते हैं ज्यादा टाइम देते हैं कि भाई अगर ये स्नहरे हुआ मैच हो तो हाउ डू यू प्ले इफ यू गो वन एंड डाउन डू इसको करेंगे हमारे पास क्या है मुझे समझ नहीं आता कि जब जैसे मैच में नीचे जाते उसके बाद हमारे पास को रिस्पॉन्स नहीं होता दूसरी टीम गेम प्लान बोलती है हमारे पास कोई रिस्पॉन्स नहीं होता ये जितने भी भारत मैच कह वगैरह में देख रहे हैं चैंपियंस लीग या यूरोपा लीग में अब इस चीज से एसोसिएट कर पाओगे उसके बाद बात करें आज टीम सिलेक्शन टीम सिलेक्शन तो ठीक था ठीक है लेकिन अब मैं प्लेयर्स की बात करूँ आई थिंक द ओनली टू प्लेयर्स जो मैं कह सकता हूँ आज सही थे जो ठीक खेले वाई दैट वॉज केसी केसी वॉज गुड टूडे ठीक है फाइनल थर्ड में उसकी पासिंग वगैरह उतनी ऑन पॉइंट नहीं थी लेकिन इस गेम वॉज गुड And was भाई। एक भी बार नहीं लगा कहीं भी पूरे मैच में भी भी वन भी वन रहा है ठीक? एक भी भी नहीं लगा। से इन जो पे शूटिंग एबिलिटी है, है, है कितनी बार बीट किया लेकिन अरोहो वॉज रॉक सॉलिड अगेन एंड इंजरी के रिपोर्ट आ रहे हैं तो होपफुल कुछ ज्यादा मेजर न हो इसलिए और लाया गया था उसके अलावा नॉट वन पेगे गोल्स पे कुछ कर नहीं सकता था बाकी उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ठीक था उसका भी जो उसको करने चाहिए थे वो करे और बाल्टे के साथ वो थोड़ी दिक्कत है बाल्टी की रनिंग रें, एबिलिटी बहुत बढ़िया है ठीक है भाई ही कैन गो अप एंड डाउन गो अपन फॉर मिनट्स एंड नाइनट ग्रेट पेस रनिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है बाल्टे की लेकिन जो फाइनल डिलीवरी की बात आती है ना एक जब आपको एक राइट टाइम बॉल रिलीज करनी होती है वो चीज बाल्टी की कमी है एंड मैं उससे इतना एक्सपेक्टेशन का बोझ उसके ऊपर डाल भी नहीं रहा हूँ बिकॉज इज ओनली एटीन नाइनटीन राइट नाउ तो हिज गेम विल ग्रो बट ये चीज है कि आपको चीजें स्विच करनी चाहिए भाई चीजें स्विच करनी चाहिए जो जावी नहीं करता है उसके अलावा बुस्केट्स था ठीक था लेकिन यही बात है कि जब काउंटर पर खींचते हैं ना तो बुस्केट्स होना ना होना बराबर ही होता है ये वाली दिक्कत होती है बुस्केट्स के साथ और फाइनली मैं आता हूँ अपने जो कह सकते हो ना लग रहा था कि हमने क्या ही प्लेयर्स एंकल डॉस की एक्सेप्ट द पेनल्टी और फिर आखिर में तो चांस तो जो चांस था जो ने गोल लाइन पे क्लियर कर दिया था भाई कुछ नहीं किया पूरे मैच में ना उसने कह सकते हो ड्रॉप ड्रीप करके बाकी वो गेम में लाया ना कुछ बॉल कैरिंग एबिलिटी दिखाई ना होल्ड अप प्ले दिखाया ठीक है की के बात छोड़ी दो उन दो शॉट के अलावा कोई शॉट ही नहीं लिया भाई ने ओवरऑल द इम्पैक्ट ऑफ लेवन की भाई लगी नहीं रहा है कि लेवन की स्टैचर का स्ट्राइकर मुझे पता है बड़े मैचों में भाई की गायब होने की आदत है लेकिन अब भाई इतना बड़ा प्लेयर्स आएंगे yes, दिस सीजन लेकिन बात ही ना जब बड़े मैचों को टर्न अप होता है और वही मैच आपको एक बड़ा प्लेयर बनाते हैं भाई वही मैच बड़ा प्लेयर बनाते हैं चाहे मैं बेंजिमा में ले लू लास्ट सीजन चाहे अभी मड वाला मैच देख लो इस मैच देख लो या गिंग को टू गोल्स तो ये सारे मैचेस आपको बड़ा बनाते हैं और इस मैचेस में लेवन टॉस की मैचों में गायब रहा है क्या वो बड़े मैचों में बड़ी परफॉर्मेंस गारंटी करता है आई डोंट थिंक सो ये चीज साथ बाइन के टाइम से रही है बार्सिलोना में आगे कुछ ज्यादा ही हो रही भाई किसी मैच में टन नहीं हो रहा भाई वो गोल मारो ठीक है लेकिन परफॉर्मेंस तो अच्छी तो आप दिख ही नहीं रहा गुड एट द वीकेंड ठीक मैंने माना ही उसको तो क्यों खिला रहे हो भाई क्या किया रोबोटो कैन नॉट कैरी द बॉल ओनली रोल ही जब बाल्डे आगे जा रहा था वो पीछे वार रुका हुआ था एंड ही वॉज कवरिंग फॉर बाल्डे ठीक है ये करना है तो कोई प्लेयर कर सकता है भाई एनी प्लेयर कैन डू डेट अब क्यों रोबोटो खिला रहे हो भाई क्यों रोबोटो खिला रहे हो मुझे समझ नहीं 70 70 take, take रपीने जो आज रपीने है फाइनल डिलीवरी नहीं थी भाई की डिसीजन मेकिंग बहुत खराब थी ठीक है उसके मतलब पासिंग भी वॉश नॉट अप टू अपू स्टैट्स वगैरह में निकाल के देखो तो सत्तर इकहत्तर उसकी पासिंग एक्यूरेसी है विच इज वेरी सब पार और एक और चीज जो अंतर थी बाकी लीग मैचेस से देखोगे आप उसमें क्रेडिट यूनाइटेड को देना चाहूंगा कि भाई जब हम वी आर ट्राइन टू प्ले आउट फ्रॉम द बैक ना हम लोग यूनाइटेड का जो प्रेस था जो उनका शेप था अगर आप देखो जो हमारा शेप था भाई इट ब्लॉक आपके पास एक ही बॉल थी आप डायगनल डाल सकते थे इफ यू आर ट्राइंग टू प्ले आउट फ्रॉम द बैक तो रिस्क ले रहे यूनाइटेड का जो प्रेस था ना हमारे प्लेयर्स को कर रहा था वो मतलब जैसे होता ना मोमेंटम मोमेंटम या मोमेंटमेंटम कहते टैट बिट फास्टर होता है ना यूनाइटेड थोड़ी सी तेज थी हमसे एंड मोस्ट ऑफ टाइम्स वी वर लूजिंग द बॉल भाई वी नॉट गुड ऑन द बॉल इन द एंड वो ऐसे तो मैं इफेक्ट नहीं किया लेकिन यूनाइटेड को चांसेस मिली थी उस उसपे

फिर कश्मीरों ने तुरंत फाउल कर दिया लेवेंट मतलब होता है ना ब्लेट एंड शर्म भी नहीं आ रही कैश्मीरों को फाउल कर दिया उसको पीछे पूरा खींच दिया फिर उसके बाद तो डिबेट वहाँ सेटल होगी भाई दोनों को येलो कार्ड खाना था मेरे हिसाब से तो देखो फालतू डिबेट थी वो मेरे डिबेट स्टार्ट करने की जरूरत नहीं थी बाकी रफीनिया की उत्कर्ष ने बात की तो रफीनिया की एक ऐसी मोमेंट थी जो तो मुझे इंटरेस्टिंग लगी जब ब्रूनो ने फ्रेंकी जब आई थिंक फ्रेंकी की रो तो फ्रेंकी पे बॉल बजाई थी ब्रूनो ने शायद पूरा मेरा खुंदस ब्रूनो ने निकाली थी पूरी फ्रंकी पे तो ब्रूनो ने जब वो बॉल बजाई थी तो उसके बाद रफीनिया सबसे पहले ब्रूनो को हेल्प करने आया ब्रूनो ने सबसे पहले ब्रूनो को साइड करके रफीनिया ले गया मैंने भाई तू बारसा का ही यूनाइटेड का मतलब किसी यूनाइटेड के प्लेयर ब्रूनो के पास नहीं गया सब मचाने में लगे हुए हैं तो रफीना आगे ब्रूनो को अलग से लिखेगा भाई शांत हो जाए शांत हो तो जाने एजेंट बन रखे थे हमारे रफीना हो सकता है आर्सेनल बिट की थी जनवरी में बट क्या यूनाइटेड यूनाइटेड आएंगे देखो मैं चाहता नहीं, नहीं है फालतू की बात है बट ओवरऑल इफ यू सी दिस परफॉर्मेंस भाई न्यूकासल के मैच से पहले आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट विन फॉर यूनाइटेड एंड जो कैरेक्टर एंड आप कह सकते हो द मैनर ऑफ दिस विन जिस तरीके से हम जीते इसको आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गोइंग इनटू द न्यूकासल मैच क्योंकि न्यूकासल के मैच में हमारे तो यही सेम कैरेक्टर दिखाना पड़ेगा

हम 50% परसेंट भी हम अचीव कर हैं जो आप कह सकते हो फाइनल विजन फॉर यूनाइटेड है बट एटलीस्ट परफॉर्मिंग एज यूनिट्स आई थिंक सबसे बड़ी जो जो ब्रांड मैंने जैसे बात की के और वाले मैच में कि जो एक्सपीरियंस है जो प्लेयर्स का, वो यंग प्लेयर्स को बहुत अच्छे से इन्फ्लुएंस कर रहा है यंग प्लेयर्स बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में आई थिंक दैट एनवायरनमेंट इज बींग बन गए बट जो एक होती है ना एक पैरल ड्रॉ कर रहा हूँ मतलब यही जैसे मडरेड के जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं वही एग्जाम्पल सेट करते हैं यंग प्लेयर्स के लिए आई थिंक दट इज हैपनिंग एट यूनाइटेड एंड दट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप कोई भी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट अच्छा बिल्ड करना चाहते हो उसकी आप नीव अच्छी रखना चाहते हो फाउंडेशन अच्छी रखना चाहते हो यू नीड प्लेयर्स